सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुशांत के बिसरा की जांच एम्स की टीम नहीं बल्कि डीएफएसएल में की जा रही है। जी हां, डीएफएसएल में हो रही है सुशांत के बिसरा की जांच। दिल्ली फोरेंसिक लैब सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। सीबीआई की अपनी लैब है ये डीएफएसएल। सीबीआई की अपनी लैब में हो रही है बिसरा की जांच। सुशांत के बिसरा रिपोर्ट से एम्स का लेना देना नहीं है। अरे आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे साथ शम्स आहिर खान, हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ रहे हैं। शम्स, सीबीआई की अपनी लैब डीएफएसएल लैब में हो रही है बिसरा की जांच, एम्स से कोई लेना देना नहीं है इसका? देखिए अंजना, एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां पे सीबीआई का हेडक्वार्टर है, ये हम सब जानते हैं, वहीं पे डीएफएसएल दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैब लेबोरेटरी है। वहां पर जो विसरा कलीना से यहाँ जो सैंपल बाकी बचे हुए थे वो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सारी चीजें जो एक फॉरेंसिक टीम बनाई गई थी डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में एम्स की, उन तक ये जांच होनी थी। लेकिन जो खबर आई वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो सारी चीजों की जांच तो कर ली है डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम ने, लेकिन जो विसरा के सैंपल है और विसरा के आने में टाइम भी लगता है, वो सीबीआई की अपनी लैब में उसकी जांच हो रही थी। और जो पिछले 5-6 दिनों से ये बात आ रही थी कि एम्स के डॉक्टर सीबीआई के साथ वक्त मांग रहे हैं कि आइए हम आपसे बात करते हैं, हम अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, और आप जो सीन को आपने रिक्रिएट किया है और जो बाकी डॉक्टरों से पूछताछ की है, बातचीत की है, उन सबका मिलान कराते हैं, तो उसमें एक अहम चीज विसरा है। विसरा इसलिए है कि क्या सुशांत को जहर दिया गया या नहीं दिया गया, ये विसरा से पता चलेगा। कलीना फॉरेंसिक लैब में अपनी जो विसरा रिपोर्ट दी थी वो उन्होंने निगेटिव बताई थी। निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है। तो अब ये है कि सीबीआई की अपनी जांच जो लैब है डीएफएसएल, वहां पे ये जांच हो रही है, रिपोर्ट उन्हीं के पास आएगी। हाँ, इस रिपोर्ट को वो जरूर एम्स की फॉरेंसिक टीम के साथ साझा करेंगे और पूछेंगे कि आपकी इसमें राय क्या है। अंजना।